हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने ई लर्निंग पायलट परियोजना शुरू की है? हु हैज स्टार्टेड द ई लर्निंग पायलट प्रोजेक्ट? राइट आंसर होगा विश्वजीत राणे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। गोवा के विकास विभाग ने कहा कि वह राज्य में आंगनबाड़ियों में ई लर्निंग की शुरुआत करेगा। मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि निजी कंपनियों सीमेंस और कॉन्वेंजियस के सहयोग से सत्तारी और पोंडा में आंगनबाड़ियों में एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। शैक्षिक सॉफ्टवेयर कोंकणी और अंग्रेजी में है और डिजिटल सेटअप में स्मार्ट टीवी और टैबलेट होंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पाणाजी और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस शहर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है? एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है पोर्ट ब्लेयर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फुल डिटेल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है। 40,887 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ नई टर्मिनल इमारत व्यस्त घंटों के दौरान 1200 यात्रियों और सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगी। प्रकृति से प्रेरित टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक सेल आकार की संरचना है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट अंडमान और निकोबार के बारे में। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 3। लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी जी और हाईकोर्ट है कैलकाटा हाईकोर्ट। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट 1 भी नहीं है। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? जो कि भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2018 के 0.44 के मुकाबले भारत का स्कोर बढ़कर 0.49 हो गया है और 2020 के मानव पूंजी सूचकांक अपडेट में मार्च 2020 तक की 174 देशों दुनिया की 98% आबादी की स्वास्थ्य और शिक्षा जानकारी शामिल है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? जो कि तमिलनाडु सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। आवंटन में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर किए गए व्यय के लिए 3,359 करोड़ रुपए शामिल है और राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली नगद सहायता के लिए 3,169 करोड़ रुपए को आवंटित किए गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हुए आए हैं, राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38+1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर
इदापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट है 39 और राज्यसभा सीट 18 है। दोस्तों मैं आपका डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में किस गैस की खोज की है, जो कि खगोलविदों ने फॉस्फीन नामक एक गैस की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज की है। इससे ग्रह पर जीवन रूपों की उपस्थिति की संभावना का पता चलता है और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पादित होने के अलावा फॉस्फीन, जो एक रंगहीन लेकिन बदबूदार गैस है, इसका निर्माण केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों के द्वारा किया जाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। यह नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए, आप आसानी से प्रश्नों को समझ करके कर सकें। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उद्योग विभाग और सिडबी राज्य में MSME को वित्तीय तकनीकी विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे, या जो किस राज्य के साथ किया जाएगा मिलकर काम? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राजस्थान के उद्योग विभाग और सिडबी राज्य में MSME को वित्तीय तकनीकी विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सिडबी ने राज्य में MSME परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के आने से बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसानी से हो जाएगी। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने जूती और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है, परिषद के अध्यक्ष कौन है? जो कि इस परिषद के अध्यक्ष हैं राजकुमार गुप्ता जी। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सरकार ने जूते और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि वाले 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक अधिसूचना द्वारा बताया जाता है और एक्शन सूज के प्रबंध निदेशक राजकुमार गुप्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में स्पुतनिक 5 टीके के नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने के लिए डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने भारत में स्पुतनिक 5 टीके के नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने के लिए डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है। भारतीय नियामकों द्वारा टीके को मंजूरी दिए जाने के बाद रूस 100 मिलियन खुराक की आपूर्ति करेगा और यह समझौता उस समय हुआ है जब भारत अमेरिका के बाद 5 मिलियन कोरोना वायरस मामलों के गंभीर आंकड़े को पार करने वाला दूसरा देश बन गया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड होते हैं सभी मैं आपके लिए कवर करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप आसानी से कर सकें। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाय एरिया, और रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वेलेंटिना मैटवियेंको हैं। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसकी करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी इस वित्तीय वर्ष में फैंटेसी खेलों और अन्य ऑनलाइन गेमिंग आयोजनों के लिए बाजार में निवेश करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए हैं और सचिन के साथ साझेदारी छोटे शहरों और कस्बों में कंपनी की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? क्योंकि फेसबुक ने कोर्सेरा के साथ एक साझेदारी किया है। बता दें आपको, फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ एक साझेदारी किया है। प्रमाण पत्र उन लोगों को कुछ महीनों के भीतर सामाजिक मीडिया विपणन नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए बनाए हैं और जिनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है। कार्यक्रम में शिक्षार्थी फेसबुक परिस्थिति तंत्र के भीतर और बाहर विभिन्न सामाजिक प्लेटफॉर्मों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग मूल बातें सीखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा। ओडिशा के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? जो कि ओडिशा के वन और पर्यावरण मंत्री हैं बीके अरुखा जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओडिशा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा। पुनर्वास केंद्र घायल हाथियों और झुंड से अलग हुए हाथियों की मदद करेगा और ओडिशा के वन और पर्यावरण मंत्री बी के अरुखा ने चांडक दंपदा अभयारण्य में कुमारखंडी में हाथी पुनर्वास केंद्र की आधारशिला रखी है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओडिशा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ और अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे कितने दिनों तक आरबीआई के गवर्नर थे? जो कि वह 21 दिनों तक आरबीआई के गवर्नर थे। अमिताभ घोष जी 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। अमिताभ घोष का सितंबर 2020 में निधन हो गया। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष आरबीआई के सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं और अमिताभ घोष 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 के बीच डिप्टी गवर्नर थे और फिर 20 जनवरी 1992 तक के लिए उन्हें फिर से विस्तार मिला और आरबीआई में शामिल होने से पहले अमिताभ घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष थे। इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रही भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए टाइटन कंपनी के साथ भागीदारी की है, जिसे टाइटन पे कहा जाता है? क्योंकि यह भागीदारी किया गया है SBI बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक SBI और टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, जिसे टाइटन पे कहा जाता है। SBI खाता धारक अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप या इंसर्ट किए बिना संपर्क रहित भुगतान बिंदु बिक्री POS मशीनों पर अपनी टाइटन पे घड़ी पर टैप कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को योनो के लिए एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई मस्टर्ड रोल लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च्ड ई मस्टर्ड रोल? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।